दिल्ली से ही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट आज निर्भया के दोषी पवन की याचिका पर सुनवाई करेगा। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में दरअसल याचिका दायर की है, याचिका दायर करके दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लगातार कुछ ना कुछ ऐसे पैतरे यहां पर दोषी आजमा रहे हैं कि किसी भी तरीके से फांसी को टाला जाए, जितने लंबे समय तक हो सके टाला जाए। और ऐसे में दोषी पवन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां पर हाई कोर्ट ने उसकी जो याचिका थी नाबालिग होने की, उसे खारिज कर दिया था। दरअसल यहां पर पवन ने याचिका लगाई थी कि जिस वक्त निर्भया रेप केस हुआ था उस वक्त वो नाबालिग था। ऐसे में हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और अब बारी है सुप्रीम कोर्ट की। किसी भी तरीके से तमाम पैतरे आजमा कर यहां पर दोषी फांसी को जितना हो सके टालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप देखिए, अगर आप मर्सी पिटीशन की बात कीजिए जो राष्ट्रपति के पास गई है, वो भी सिर्फ एक दोषी की गई है, यानी कि जब उसको खारिज कर दिया गया है, अब फांसी की जो तारीख है वो आ गई है, उसके बाद में भी अभी भी तीन दोषियों के पास में कहीं ना कहीं कानून प्रक्रिया के तहत खुद को फांसी से बचाने का जरूर प्रावधान यहां पर बचा हुआ है। और एक और यहां पर पिटीशन दाखिल की गई थी। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। विनय करो करेंगे। विनय, यहां पर इन्होंने कहा था कि ये नाबालिग थे जिस वक्त निर्भया गैंगरेप हुआ था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी, इस पर पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि सुबह का वक्त है जब जो पवन कुमार गुप्ता है, जो कि चारों दोषियों में से एक दोषी है, उसने याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में कि जब 16 दिसंबर 2012 को ये मामला हुआ था तब वो नाबालिग था। हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद पवन कुमार गुप्ता की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, इसको लेकर आज सुनवाई है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को किस तरह से देखता है। जी विनय, अगर बात की जाए तो 7 साल पुराना केस है, 7 साल में इनको क्या अब याद आया है कि उस वक्त नाबालिग थे? देखिए, ये आपको बता दूं कि एक लगातार प्रैक्टिस है इनकी, किसी तरह से फांसी की सजा को डिले या इसको लटकाया जाए, और इन्हीं सबको लेके ये अलग अलग पैंतरे अलग अलग हथकंडे यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो पटियाला कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि आप लगातार डिले टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये दावा है या तो इस पर सुनवाई की जानी भी कानून के तहत जरूरी है, और इसीलिए पहले हाई कोर्ट में हालांकि याचिका लगाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बाद अब इसी याचिका के बल पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो इस याचिका पर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि ये निर्णय काफी अहम रहेगा। विनय, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर राष्ट्रपति के पास जो मर्सी पिटीशन गई है वो सिर्फ एक दोषी की गई है, जिसे खारिज कर दिया गया है, यानी कि तीन दोषियों की अभी भी जानी बाकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन्होंने ये हथियार के तौर पर बचा के रखा है कि एक खारिज हो चुकी है, अब डेट आ गई है, अब एक एक करके फिर से यहाँ पर मर्सी पिटीशन यहाँ पर दाखिल की जाएगी। देखिए, चूंकि चारों दोषियों को पहले 22 जनवरी को फांसी होनी थी, लेकिन इन्होंने ये पटियाला कोर्ट में ये दलील दी है कि इनकी जो याचिकाएं हैं वो लंबित पड़ी है, राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दायर करनी है, तो इन तमाम बातों को लेकर इन्होंने अपनी दलीलें दी, जिसके बाद अब नई डेथ वारंट की जो डेट है वो 1 फरवरी है। हालांकि अभी 4 में से सिर्फ एक जो दोषी है उसकी मर्सी पिटीशन खारिज हुई है, अभी 3 जो दोषी है उनको मर्सी पिटीशन दायर करनी है, अभी तक किसी ने मर्सी पिटीशन दायर नहीं करी है। तो देखना है कि कब ये लोग मर्सी पिटीशन दायर करते हैं और कब तक राष्ट्रपति की तरफ से इनकी याचिका पर जवाब आता है। जी विनय, एक सवाल यहाँ पर और है कि अगर देखा जाए कानूनी तौर पर समझा जाए तो एक की जो मर्सी पिटीशन है वो राष्ट्रपति ने खारिज कर दी, और जैसा कि आपने बताया कि कोर्ट भी ये चीज समझ रहा है कि कहीं ना कहीं ये पैतरे आजमा रहे हैं फांसी से बचने के लिए, तो क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद में तीनों दोषियों को मर्सी पिटीशन दाखिल ही ना करने दी जाए? हालांकि उनका हक है, लेकिन फिर भी लगातार वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है? देखिए गोरांची, अगर कानून के दायरे में देखा जाए तो इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है कि बिना किसी को मर्सी पिटीशन दायर किए फांसी हो जाए, क्योंकि एक विकल्प है हमारे कानून में कि आखिरी विकल्प होता है कि राष्ट्रपति के पास याचिका दायर की जाए, मर्सी पिटीशन दायर की जाए। तो ये एक जरूरी है इन तीनों को राइट देने के लिए। हालांकि अभी एक जो दोषी है उसकी मर्सी पिटीशन खारिज हुई है, लेकिन अभी तीनों में से अब देखना होगा कि तीनों एक साथ मर्सी पिटीशन दायर करते हैं या एक एक करके दायर करते हैं, क्योंकि इससे पहले इनके वकील ने कहा था कि
जेल प्रशासन की तरफ से हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम मतलब पटिशन साथ नहीं दायर कर पा रहे हैं। लेकिन पटियाला कोर्ट ने तब निर्देश दिए थे जेल प्रशासन को कि दोषियों को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी कागज चाहिए, वो पेपर वर्क जो भी है, वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि तीनों एक साथ मतलब पटिशन दायर कर सके। अब देखना होगा कि तीनों जो दोषी हैं एक साथ मतलब पटिशन राष्ट्रपति के पास लगाते हैं या फिर एक एक करके या राष्ट्रपति के पास गुहार लगाते हैं। जी विनय, तमाम पैतरे यहाँ पर दोषी उनके वकील की तरफ से आजमाए जा रहे हैं जो उनकी फांसी को टाल जरूर सकते हैं लेकिन इन्हें फांसी पर चढ़ाने से रोक नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए।